जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गुजरात विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख किसी भी दिन ऐलान कर सकता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग गुजरात पहुंचा हुआ है, अधिकारियों से मीटिंग कर रहा है, पूरी जानकारी वीवीपैट को लेकर कैसी सुरक्षा होनी है सभी चुनाव आयोग गुजरात में बड़े बड़े अधिकारियों से मीटिंग कर रहा है। पर किसी भी दिन विधानसभा चुनाव की गुजरात की ऐलान हो सकता है तारीखों का। दोस्तों अगर हम गुजरात विधानसभा की टोटल सीटों की बात करें तो गुजरात के अंदर टोटल सीटें 182। 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में कोई भी नहीं हरा पाया है। गुजरात में ही जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी, जन्म हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, देश में सबसे पहले गुजरात के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों वो पार्टी है जो 27 सालों से लगातार गुजरात में राज कर रही है। जहां पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की टक्कर होती थी, अब एक और पार्टी आ गई जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के आने से चुनाव गुजरात का त्रिकोणीय हो गया है। अगर 2017 की बात करें तो 182 सीटों से 99 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 77 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी। राहुल गांधी ने मंदिर के दौरे करके भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों से कम पर रोक दिया था। पर दोस्तों इस टाइम आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा मेहनत कर रही है गुजरात के अंदर। अरविंद केजरीवाल ले लें, मनीष सिसोदिया ले लें, या और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता गुजरात के अंदर डेरा डाले हुए, लगातार अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया दौरे कर रहे हैं। वहीं साथ के साथ पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं गुजरात के अंदर। दोस्तों एक सभा के अंदर अभी एक हर्ष सोलंकी नाम के सफाई कर्मी जो दलित समाज से आते हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा और कहा कि जैसे आप ऑटो वाले के घर पर न्योता देने पर आप खाना खाने गए थे, मैं एक सफाई कर्मी हूं, मैं एक दलित समाज से आता हूं, क्या आप मेरे घर पर आएंगे खाना खाने? तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही शानदार जवाब दिया कि दलित के समाज के लोग खाना खाते हुए तो आपको दिख जाएंगे, पर मैं आपको अपने घर अपने परिवार के साथ आपको परिवार सारे आपके जो परिवार है उसको इनवाइट कर रहा हूं। दिल्ली में आपको टिकट भेजूंगा कि आप मेरे घर पर आएंगे। तो सफाई कर्मी ने कल दिल्ली में आकर अरविंद केजरीवाल के परिवार के साथ खाना खाया। मनीष अरविंद केजरीवाल ने उनका स्वागत किया। हर्ष सोलंकी परिवार अपनी मम्मी के साथ और अपनी बहन के साथ दिल्ली आए। तो दोस्तों ये भी पूरी राजनीति अरविंद केजरीवाल की चल रही है। साथ के साथ अरविंद केजरीवाल लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं गुजरात के अंदर। अब देखना होगा कि ये चुनाव त्रिकोणीय होगा या बीजेपी कांग्रेस का होगा, बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी का होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव हारती है तो कौन हराएगा? कांग्रेस पार्टी हराएगी, आम आदमी पार्टी हराएगी, क्या समीकरण बैठेंगे ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा दोस्तों। पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है गुजरात का चुनाव। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या सोचते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिल जाएंगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊं दोस्तों आपको पता चल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही।